हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फिर से छोटा सा टॉपिक। हमारा टॉपिक है बहुलक यानी मॉड क्या है। तो फटाफट से कॉपी पेन निकाले, देखेंगे हम लोग फटाफट से। देखिए फटाफट से बहुलक में होता क्या है कि डेफिनेशन समझते हैं। अधिकतम बारंबारता वाला चर बहुलक कहलाता है। मतलब कोई भी आपको मान लीजिए 3-4-5 टर्म दिया होगा, उसमें जो ज्यादा बार रिपीट होगा वही बहुलक यानी मॉड कहने वाला है। क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, ये आपको एक नंबर का शॉर्टकट में दिखेगी। समझिए क्वेश्चन को, मान लीजिए 7 है 3 है 4 है 7 है 3 है फिर 7 है 1 है और इस क्वेश्चन में पूछे कि बहुलक बताइए। तो इसमें चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो दिख रहा है 7 एक बार, 2 बार 3 बार, यानी 7 सबसे अधिक बार है, वही आंसर होने वाला है। मतलब जो ज्यादा बार रिपीट हो जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1 है 7 है 3 है 3 है 4 है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में पूछे कि मतलब बहुलक क्या होने वाला है। तो देखिए कौन अधिक बार रिपीट हुआ है। तो दिख ही रहा है कि 3 2 बार रिपीट हुआ है, यानी आंसर में कौन आएगा, 3 आएगा। लेकिन इसमें ऐसा भी तो कभी केस आ सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपके पास 7 हो 11 हो 4 हो फिर 11 हो फिर 4 हो, मान लीजिए फिर 7 है फिर 11 है और फिर 7 है, कुछ ऐसा। इसमें आपको बताना है कि बहुलक कौन होगा। तो इसमें अगर गौर से देखेंगे ना कि 7 भी एक बार दो बार तीन बार आ गया और 11 एक बार दो बार तीन बार आ गया, दोनों तीन तीन बार है, ऑफ कौन सा आंसर होगा। तो इसमें क्या होगा कि 7 भी आपका 3 बार है, 3 times, और आपका 11 भी 3 times आ गया है, तो आंसर कौन होगा। तो इसमें बड़ा वाला ही आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों आया है तो दोनों मार सकते हैं, नहीं तो जो बड़ा वाला है वही आंसर। तो इसका आंसर कौन होगा, 11 होगा। क्लियर हो रहा है। तो सिंपल है, बहुलक में कुछ नहीं है, जो अधिकतम बार रिपीट हो जाए वही उसका बहुलक। क्वेश्चंस यहां आपके सामने है, देखिए इसमें देख लिए फटाफट से और ये तो उतारिए फटाफट से, उतार लिए। तो इससे एक नंबर का क्वेश्चन रहता ही है, सिंपल है। जो ज्यादा बार रिपीट आएगा, देखिएगा 5-6 टर्म दिया होगा, जो ज्यादा बार रिपीट होगा वही उसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक रखेंगे, लेकिन लोग नेक्स्ट वीडियो में जुड़े आंसर मैथ के साथ, ठीक है। थैंक यू।